Hello friends, my name is Daksh Upreti. Welcome to my channel. आज हम बनाएंगे उत्तराखंड की फेमस स्पेशल रेसिपी भटिया जो मेरी मॉम मुझे मदद करेगी उसको बनाने में। इसके लिए हमें चाहिए भट जो हमने रात भर सोक करके रखा है पानी में, जिंजर और गार्लिक, और हमें चाहिए अनियन, टमाटो पेस्ट जो राइस का है, और हल्दी, नमक, ऑयल, धनिया। हम राइस का पेस्ट राइस को पीस के भी बना सकते हैं। भटिया की रेसिपी को बनाने के लिए हमें लोहे की कढ़ाई में बनाना होता है जिससे वो और टेस्टी बने, और मेरी मदर मुझे हेल्प करेगी भटिया को बनाने में। भट जिसे हम सोयाबीन भी कहते हैं, हमने उसका पेस्ट बना लिया और टमेटो का भी पेस्ट बना लिया। अब हम आयरन की कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। हो गया, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। अब हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। अब हमने इसमें अनियन डाल दिया, अब इसे भी थोड़ा फ्राई करना है। टमाटो पेस्ट डालें, टमाटो और प्याज को अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें ऑयल नहीं। टमाटर भुन गया, लेकिन हमने प्याज को ज्यादा नहीं भुना है क्योंकि हमें थोड़ा प्याज को कच्चा रखना है जिससे वो टेस्टी बने। आप देख सकते हैं कि टमाटर भुन चुका है, अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे ताकि ये ज्यादा गाढ़ा ना हो जाए। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून धनिया। तो सिर्फ फ्लेम पे पकने देना है। अभी हमें इसे गाढ़ा नहीं करना है, तो हमें पानी ऐड करना है। मैंने 1 कप वाटर ऐड करा है। आप जितना भी चाहे अपने अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो रेसिपी ऐसे लिक्विड होनी चाहिए। अब जब ये 10 मिनट कुक हो गया है और ये गाढ़ा होने लग गया है, मैं इसमें वाटर ऐड कर रहा हूँ। वाटर मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि ये पतला रहे। अब मैं जो हमने पीस के राइस का पेस्ट बनाया था, अब मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ। अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए ढककर कुक होने देंगे। अगर ये ज्यादा गाढ़ा हो रहा है तो पानी ऐड करते रहिए। 20 मिनट अब हो गए हैं। अब हम इसे मिक्स भी कर चुके हैं। अब हम देखते हैं ये पकाया अच्छे से या नहीं। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई है, और वाव कितना यम्मी दिख रहा है और टेस्टी दिख रहा है। हमने इसे 20 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और ये अच्छे से पक गया है, ये खाने के लिए रेडी हो गया है। और हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व करने डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे उत्तराखंड की स्पेशल डिश भटिया तैयार हो गई है, और हमने इसे धनिया के साथ गार्निश कर लिया है। इस भट को इंग्लिश में ब्लैक बीन्स भी बोलते हैं। आप भी इसे घर पे ट्राई कर लेना क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है एंड इट्स फुल ऑफ प्रोटीन जो आपकी बॉडी को चाहिए होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Don't forget to like and subscribe my channel and press
chicken. Bye. Get ready for the next dish.